अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोल रहा है कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। हम लोग को बाय डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है। मैं इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का दो मेथड होता है, पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, और दोनों का फॉर्मेट भी लिखवा चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए एक बैलेंस शीट दिया हुआ है 2018 का, तो चलिए हम लोग को इसमें कैश नेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। पहला था देखिए ऑपरेटिंग कैश रिसीप्ट, जो कि इनफ्लो का आइटम है। यहाँ पे कैश सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 75,000, कमीशन रिसीव भी गिवन है, रिसीव फ्रॉम डेटर, ये सब जो है वो मैं फॉर्मेट में बता चुकी हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है। बस आपको ये सब चीज़ को याद रखना चाहिए और देखना है क्वेश्चन में कि दिया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर हम उसको निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सिंपल है, बस पुट कर देना है एंड इसको प्लस करके यहाँ पे टोटल लिख देना है। फिर पॉइंट टू में ऑपरेटिंग कैश पेमेंट, तो कैश पेमेंट में जो जो आइटम है वो क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे कि पेमेंट कैश परचेज दिया हुआ है, पेमेंट टू सप्लायर दिया हुआ है, सैलरी पेड दिया हुआ है, रेंट पेड दिया हुआ है, जितना पेमेंट हुआ मतलब खर्चा हुआ उसको हम लोग यहाँ पे टोटल करके लिख देंगे। तो और जो 3,15,000 है उसमें माइनस करेंगे 92,000, तो हम लोग का आंसर आएगा 2,23,000। तो यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ए माइनस बी मैं लिख दी हूँ, ये माइनस करके आया। उसमें हम लोग लेस करेंगे इनकम टैक्स जो कि गिवन है क्वेश्चन में, और उसमें ऐड करेंगे प्रोसीड फ्रॉम फ्लड स्टेटमेंट, फ्लड में कितना खर्च हुआ 10,000 रुपया। तो फिर इसको हम लोग इससे माइनस करके यहाँ पे नेट कैश जो है वो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में साइन नहीं था क्वेश्चन। देखिए ये बड़ा अमाउंट है, ये प्लस में था, ये माइनस में और ये माइनस में, तो यहाँ पे आंसर हम लोग का प्लस में आया, इसलिए हम यहाँ पे फ्रॉम लिखे। अगर आंसर माइनस में आता तो हम लोग यहाँ पे यूज्ड इन लिखते। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही सिंपल से कंप्लीट हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को बोल रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विथ मिसिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि डायरेक्ट मेथड से हम लोग को बनाना है। तो चलिए इसमें कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो मतलब इसमें हम लोग को कुछ निकालना भी फाइंड भी करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 को डायरेक्ट मेथड से बनाए उसको आपको मैं बता चुकी हूँ कि फॉर्मेट से, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डायरेक्ट मेथड से तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन जो है वो इनडायरेक्ट मेथड से मैं बता रही हूँ, तो इनडायरेक्ट मेथड का भी मैं फॉर्मेट लिखवा चुकी हूँ। तो देखिए बोला था कि अगर क्वेश्चन में, हम इससे पहले भी बोले थे, अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है और गिवन नहीं है तो हमको इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, उसको हम लोग प्रोविज़न फॉर टैक्स से प्लस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आ जाएगा। तो देखिए 1,05,000 में 30,000 प्लस किए, तो 1,35,000 रुपये जो ये जो अमाउंट है वो हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी आया। तो यहाँ से फॉर्मेट स्टार्ट होता है, आप इसको रफ में भी करके डायरेक्ट यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर एडजस्टमेंट में क्या क्या है, डिप्रिसिएशन गिवन है, मैं बहुत सारा आइटम लिखवाई हूँ, अगर कुछ भी इसमें से गिवन है तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो ये जो है यहाँ पे टोटल हो जाएगा 1,35,000 में 30,000 रुपये प्लस करेंगे तो हम लोग 1,65,000 रुपये आ जाएगा। फिर उसमें ऐड करना है डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, जो कि मैं इतना बड़ा सा रिसिप्ट बना के आप लोग को बता दी हूँ कि कौन सा आइटम प्लस होगा, कौन सा आइटम माइनस होगा, कौन सा आइटम करेंट एसेट्स है, कौन सा आइटम करेंट लायबिलिटीज़ है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है, मैं सारा चीज़ बता चुकी हूँ उससे अगले वीडियो में। तो आप देखिए जैसे कि मैं आप एक बता दे रही हूँ, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, एसेट्स क्या है, डेटर है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है डेटर, है ना, ये है प्रीवियस ईयर का और ये है करेंट ईयर का। तो डेटर जो है वो 25,000 रुपया था प्रीवियस ईयर में, करेंट ईयर में है 20,000 रुपया, तो 5,000 रुपया जो है घट रहा है ना, 25 से 20 हो गया है। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं देखिए डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, डेटर में कितना हुआ, तो 5,000 का लॉस हुआ। उसी तरीके से स्टॉक, स्टॉक में देखिए
स्टॉक में 40,000 था प्रीवियस ईयर में और करेंट ईयर में 35,000, तो 5,000 का इसका भी गैप है। मतलब जो जो गैप होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से, आपको समझ के यहाँ पे बनाना पड़ेगा। स्टॉक जो है वो डिक्रीज हो रहा है 5,000 का, फिर और से है यहाँ पे क्वेश्चन में इंक्रीज इन करेंट लियाबिलिटीज। तो करेंट लियाबिलिटीज का मैं बता रही हूँ, देखिए करेंट लियाबिलिटीज क्या है, क्रेडिटर है सबसे पहले, सेकेंड आइटम। तो यहाँ पहले प्रीवियस ईयर में 25 था और अभी प्रीवियस ईयर में 20 था और अभी 25 है करेंट ईयर में, तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरीके से बिल्स पेएबल, फिर दूसरा था हम लोग का इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स क्या क्या है मैं वो बता चुकी हूँ, तो बिल्स रिसिवेबल में कितना बढ़ रहा है वो देखना है। तो देखिए बिल्स रिसिवेबल में पहले था प्रीवियस ईयर में 2,000, करेंट ईयर में 3,000, तो 1,000 जो है वो बढ़ रहा है, तो हमने यहाँ पे 1,000 लिखे। और सही प्रीपेड एक्सपेंस का डिक्रीज इन करेंट लियाबिलिटीज में हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। तो मैं सारा आइटम को यहाँ पे हम लोग जो ऐड और माइनस हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे करके लिखेंगे। देखिए ऐड में हो गया 16,000 और माइनस में जो ये लेस था वो 2,500 हो गया, ठीक है। तो फिर हम लोग 1,65,000 में 1,65,000 में 16,000 प्लस करेंगे और 2,500 माइनस करेंगे, तो हम लोग का आंसर आएगा, टोटल होगा 1,78,500। फिर उसमें हम लोग को लेस करना है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये गिवन रहता है क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें हम लोग माइनस किए ये 30,000 रुपया, तो हम लोग का 1,48,500। यहाँ पे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम लिखे हैं, नोटिस करिएगा, और ये क्वेश्चन देखता है क्वेश्चन एग्जामिनर। और यहाँ पे अगर माइनस में आता है हम लोग का आंसर, तो हम लोग यहाँ पे यूज्ड इन लिखते। तो ये इनडायरेक्ट मेथड से मैं बताई कि यहाँ पे कैसे हम लोग डिक्रीज इंक्रीज देखते हैं, गिवन में दिया रहता है प्रीवियस ईयर का और करेंट ईयर का दोनों का दिया हुआ रहता है। मान लीजिए डेटा नहीं दिया रहता है प्रीवियस ईयर का, खाली करेंट ईयर का दिया रहता है, तो मैं इससे पहले जो वीडियो में बताई हूँ फॉर्मेट टोटल डेटा अकाउंट, उसमें हम लोग पुट करके वहाँ से पहले निकालते, फिर उसके बाद यहाँ पे उसको देखते कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, फिर उसके बैलेंस करके फिर जो अमाउंट आता गैप उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते। और उसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना भी मैं बताई उससे पहले वाले वीडियो में, एक फॉर्मेट है और यहाँ पे भी बताई। और इसी तरीके से यहाँ पे सारा अमाउंट जो है हम लोग वो पुट करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग को और कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं बता दूंगी। यहाँ पे तो मैं बहुत ही सिंपल क्लियरली समझा दी हूँ, आई थिंक आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन बताऊँगी।